हेलो एवरीवन, सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 से चैप्टर 12, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये कैसे प्लांट के अंदर होते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन है वो ज़रूरी क्यों होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ करेक्टरिस्टिक दैट दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक ऐसी करेक्टरिस्टिक होती है जिसकी सहायता से वो अपने जैसों को जन्म देते हैं। दिस प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और इस प्रोसेस को जिसके थ्रू पेरेंट से नए बच्चों का जन्म होता है, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों होता है। रिप्रोडक्शन ज़रूरी इसीलिए होता है ताकि जो स्पीसीज है, जो वो ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो प्रजाति है वो आगे कंटिन्यू हो सके। फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। रिप्रोडक्शन किस लिए ज़रूरी है, जो स्पीसीज हैं, जो स्पीसीज आपको देखने को मिलती हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, उनकी कॉन्टिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। तो कौन कौन से मोड्स आपको देखने को मिलेंगे प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के अंदर। दो मोड देखने को मिलेंगे, एक देखने को मिलेगा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एक देखने को मिलेगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट्स हैव टू काइंड ऑफ पार्ट्स। प्लांट के अंदर दो प्रकार के पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो वेजिटेटिव पार्ट हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट प्लेज अ मेजर रोल इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, सच एज प्रिपरेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एसेट्रा, फॉर एग्जाम्पल रूट, स्टेम एंड लीव्स। वो सभी पार्ट जो आपको प्लांट में कॉमनली दिखाई देते हैं, जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीव्स है, ये सभी प्लांट्स में कॉमन होते हैं, जो मदद करते हैं फूड को प्रिपेयर करने में। आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस लीव्स के अंदर होती है। फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर पढ़ के आए थे। जाइलम और फ्लोएम मदद करते हैं फूड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो उन सभी पार्ट्स को जो ये फंक्शन परफॉर्म करने में मदद करते हैं, उनको वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उनको वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है। तो आपका रूट है, स्टेम है और जो लीव्स हैं, ये आपके वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं किसी भी प्लांट के। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं। These are the parts of the plant that play a major role in the reproduction process in the plants. For example, flowers and fruits. Reproductive part वो होते हैं जो reproduction में मदद करते हैं। तो flowers जो हैं और जो fruit हैं वो किस में मदद करते हैं, reproduction में मदद करते हैं, इसीलिए इनको reproductive part कहा गया है। So reproduction in plants can be categorized इंटू टू टाइप्स। दो टाइप में हम रिप्रोडक्शन को कैटेगराइज कर सकते हैं। हमने ऊपर भी बात की थी, एक है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एक है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो न्यू प्लांट है वो प्रोड्यूस होता है विदाउट यूजिंग द सीड्स। बिना सीड के नए प्लांट का ग्रो होना ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। इन दिस प्रोसेस जनरली द लीव्स, द स्टेम एंड द रूट्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। ऐसे रिप्रोडक्शन में जिसमें बिना सीड की सहायता के प्लांट ग्रो करता है, उसके अंदर जो वेजिटेटिव पार्ट हैं, जैसे लीव हो गया, स्टेम हो गया, रूट्स होगी, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर जो नए प्लांट की ग्रोथ होती है वो विद द हेल्प ऑफ सीड होती है। सीड की सहायता से नया प्लांट ग्रो करता है। हम उसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। इन दिस प्रोसेस द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि एसेक्सुअल के अंदर जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर दोनों ही पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल पेरेंट। इतना आपको थोड़ा सा एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पार्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं प्लांट के। किसके पार्ट्स दिखाए गए हैं भाई, कुछ प्लांट के पार्ट्स दिखाए गए हैं। फ्लावर यहाँ पे है आपका, इसके बाद लीव्स हैं। लीव्स जहाँ पर निकलती हैं उस जगह को क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। जहाँ पर लीफ निकल रही है, ऊपर वाली लीफ निकल रही है, उसको एपिकल बड कहते हैं। बड में से ही नई चीज़ का जन्म होता है।
नोड के बीच की जो प्लेस है, एक लीफ निकला हुआ है यहाँ पे, दूसरा लीफ निकला हुआ है, इनके बीच का जो स्पेस है, जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज इंटर नोड. दो नोड के बीच का डिस्टेंस इज नोन एज इंटर नोड. यहाँ पे ऊपर भी आपको एपिकल बड दिख रही है, यहाँ पे भी जहां पे नई लीव्स निकल रही है यहाँ पे भी आपको एपिकल बड देखने को मिलेगी. लेकिन नोड के बीच में जो बड निकलती है उसको एक्सिलरी बड कहा जाता है. तो दो प्रकार का सिस्टम हो गया, एक तो जो सॉयल से ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है उसको शूट सिस्टम कहते हैं, एक जो सॉयल के नीचे दिख रहा है उसको आपको रूट सिस्टम कहा जाता है. अब यहाँ पे आपको स्टेम दिख जाएगी, इसमें लीफ के अंदर ब्लेड दिख जाएगा और पिटियोल दिख जाएगा. ये जो डंडा है जिसके थ्रू ये जुड़ा हुआ है इसको पिटियोल कहते हैं, और जो ऊपर लीफलेट है उसको ब्लेड कहा जाता है. ये टैप रूट है, टैप रूट जो सीधी नीचे की तरफ जाती है, दिस इज योर टैप रूट. और ये साइड में क्या है, उसके लेटरल रूट्स निकली हुई है, लेटरल ब्रांचिंग निकली हुई है, तो ये आपका रूट सिस्टम बनाता है. जो फ्लावर है ये रिप्रोडक्टिव शूट है. क्या है जी? रिप्रोडक्टिव शूट है जो आपका फ्लावर है, क्योंकि फ्लावर ही रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. शूट, शूट क्या होता है भाई? जो ये शूट सिस्टम है, अ यंग प्लांट इज ऑफन टर्म्ड एज शूट. जब कोई नया प्लांट ग्रो करता है, जमीन में से बाहर निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं? जनरली शूट कहा जाता है. जनरली शूट इज रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ द प्लांट विच हैज स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर. शूट किस पार्ट को कहा जाता है? जिसके अंदर स्टेम, लीव्स और क्या हो, फ्लावर्स प्रेजेंट हो, उस प्लांट पार्ट को हम शूट नाम देते हैं. नोड क्या होती है? अब हमने कई बार देखा, कई जगह पे लिखा है नोड, इंटरनोड. इट इज द पार्ट ऑफ द स्टेम और ब्रांच ऑफ अ प्लांट फ्रॉम वेयर द लीफ अराइजेस. जहां से लीव निकलती है स्टेम में से, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? हम नोड कहते हैं. तो दो नोड के बीच की जगह जो डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाता है? इंटरनोड कहा जाता है. तो वेजिटेटिव बर्ड्स, वेजिटेटिव बर्ड्स कौन सी होती हैं? समटाइम बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लीव्स दैट आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इन टू शूट, दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड. क्या कहता है कि कई बार लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं. क्या प्रेजेंट होती हैं? बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं. जो आपको यहाँ पे बर्ड्स दिखाई दे रही थी, एक्सिलरी बर्ड दिख रही है, एपिकल बर्ड दिख रही है, जो नई शूट में डेवलप करने के कैपेबल होती हैं, उनको वेजिटेटिव बर्ड्स कहा जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एपिकल बर्ड आपको दिखाई दे रही है, जिसमें से आगे जा नई लीव्स आपको जन्म लेते हुए दिखाई देंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की कई टाइप्स होती हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में. एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नेम आपको बता रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके हेल्प से होगी? वेजिटेटिव पार्ट्स के हेल्प से होगी. एज द नेम सजेस्ट, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से ये रिप्रोडक्शन होती है, इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है. ध्यान देने वाली बात है कि ओनली वन पेरेंट कैन प्रोड्यूस द आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या करेगा जी, एक सिंगल पेरेंट ही इस रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा और वो अपने जैसे आइडेंटिकल सिमिलर ऑफस्प्रिंग को जन्म देगा. तो नेचुरल means of vegetative propagation. प्राकृतिक तौर पर vegetative propagation roots के through होती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं diagram के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये old stem है, old stem के अंदर new shoot from bud. Bud से क्या निकल रही है? एक नई shoot निकल रही है जो leaves और stem बनाएगी. Bud on root tuber, root tuber के ऊपर भी आपको bud देखने को मिल जाएगी. These are tuber, swollen root act as storage structure. तो जो जमीन के नीचे से आपके आलू वगैरह है, potato है, sweet potato है, ये जमीन के नीचे उगते हैं भाई, तो ये क्या है? आपके ट्यूबर कहलाते हैं, जिसके अंदर फूड स्टोर होता है. प्लांट्स हैव दैट हैव ट्यूबरस रूट, वो प्लांट जिनके ट्यूबरस रूट होते हैं, जिनका फूड कहां स्टोर होता है? रूट ट्यूबर ट्यूब्स में स्टोर होता है. दैट इज रूट विच आर यूज्ड एज स्टोरेज ऑर्गन इन प्लांट्स पार्टिसिपेट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो वो सभी प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं जिनकी ट्यूबरस रूट होती है. इन ऑर्डर टू ग्रो न्यू प्लांट दीज ट्यूबरस रूट्स आर शोन इन द सॉयल. नए प्लांट को उगाने के लिए हम इन्हीं ट्यूबरस रूट्स का इस्तेमाल करते हैं. इनको दूसरी जगह पे मिट्टी में उगा दिया जाता है, जहां से फिर वो नया प्लांट ग्रो करने लगता है. देयर आर बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द फ्रूट्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड एंड अ न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड. हमने देखा था अभी अभी उसके अंदर जो ट्यूबर था, ट्यूबर के ऊपर यहां पर एक शूट बड निकली हुई थी, वो शूट बड जमीन से ऊपर आ जाएगी और नया प्लांट ग्रो करने
लग जाएगा। तो स्वीट पोटैटो आपका इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है जो रूट के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम, हमने ये तो देख लिया कि वेजिटेटिव पार्ट हमने क्या पढ़े, लीव, स्टेम और रूट पढ़े। रूट के थ्रू तो आपने वो स्वीट पोटैटो पढ़ लिया कि वो रूट के थ्रू क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करता है। तो स्टेम के थ्रू कैसे होता है, स्टेम ट्यूबर्स, जस्ट लाइक ट्यूबरस रूट सम प्लांट्स हैव ट्यूबरस स्टेम। जैसे कि अभी ऊपर आपने देखा कि जो प्लांट था उसमें ट्यूबरस रूट थी, रूट के अंदर फूड स्टोर होता है, ऐसे ही कुछ प्लांट के अंदर स्टेम के अंदर रूट स्टोर होता है, तो ऐसी स्टेम को हम ट्यूबरस स्टेम कहते हैं। दीज स्टेम ट्यूबर्स स्टोर द न्यूट्रिएंट्स एंड बियर नोड्स, और इनके ऊपर क्या आ जाते हैं, नोड्स आ जाते हैं, इनके अंदर सारा फूड और न्यूट्रिएंट्स स्टोर होता है तो इनके ऊपर नोड्स आ जाते हैं। दीज नोड्स बियर बर्ड्स, और इन नोड्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जो नया प्लांट उगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो। तो जो आपका स्वीट पोटैटो था वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, जबकि जो आपका पोटैटो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार पोटैटो के ऊपर ऐसे आई लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, कुछ जर्मिनेट हो जाता है, जर्मिनेटिंग आई बड, इनके थ्रू इनको काट के मिट्टी में डाल दीजिए, नया प्लांट ग्रो करने लग जाएगा। रनर्स के बारे में आपने सुना होगा पहले, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्लांट है, इसमें से एक रनर निकला, वो जमीन में जहां पे टच हुआ वहां पे उसने रूट से रूट अपनी एस्टेब्लिश कर ली सॉयल के अंदर, वहां पे ऊपर स्टेम आ गई, फिर वो फर्दर आगे बढ़ रहा है, जहां पे टच करेगा वहां पे फिर रूट आ जाएंगी, ऊपर स्टेम आ जाएगा, प्लांट ग्रो कर जाएगा। ऐसे होता है जी रनर के अंदर रिप्रोडक्शन। सम प्लांट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, कुछ प्लांट है वो ग्राउंड के साथ साथ ही ग्रो करते रहते हैं, एंड कंटेन मॉडिफाइड स्टेम्स कॉल्ड रनर, और उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मॉडिफाइड स्टेम्स प्रेजेंट होती हैं जिनको रनर्स कहा जाता है। दीज रनर्स कंटेन बर्ड्स दैट कैन प्रोड्यूस रूट्स एंड स्टेम्स, ये जो रनर्स हैं इनके अंदर बड प्रेजेंट होती है जिसमें से रूट और शूट दोनों चीजें निकल सकती है, तो ये ग्राउंड पे जहां पे भी टच करेंगी वहीं से रूट और शूट निकलने लग जाएंगी। स्ट्रॉबेरीज इसका एग्जाम्पल है जो रनर की फॉर्म में ग्रो करता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ, जो हमने तीन वेजिटेटिव पार्ट पढ़े थे, रूट स्टेम उनको तो देख चुके हैं, तीसरा जो पढ़ा था हमने वो था लीव, और लीव के थ्रू कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। कुछ प्लांट्स हैं जी जिनके अंदर लीव के ऊपर क्या होती हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, क्या प्रेजेंट होती हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं दैट कैन डेवलप इनटू न्यू प्लांट, जो नए प्लांट में ग्रो कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम, कौन सा एग्जांपल है इसका, ब्रायोफाइलम इसका एक एग्जांपल है। लीव ऑफ ब्रायोफाइलम, आपने देखा होगा ऐसी लीव को, ब्रायोफाइलम प्लांट की लीव है, इसकी लीव के कॉर्नर्स के ऊपर, एजेस के ऊपर, मार्जिन के ऊपर आपको नए प्लांट ग्रो होते हुए दिखाई देंगे। जैसे ये प्लांट, न्यू प्लांट गिरेंगे इसके ऊपर से सॉयल के ऊपर जाएंगे और इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये नए प्लांट के फॉर्म में ग्रो करने लग जाएंगे। तो बर्ड्स कहां पे प्रेजेंट है, लीव के मार्जिन के ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट हैं, जिसके थ्रू क्या हो रही है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रही है। तो हमने तीनों ही टाइप की वेजिटेटिव प्रोपगेशन देख ली, जिसके अंदर तीनों वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल कर लिया, रूट, स्टेम एंड लीव्स का। तो आर्टिफिशियल तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है, तो इसके अंदर तीन चीजें हैं, कटिंग है, लेयरिंग है, और क्या है, ग्राफ्टिंग है। कटिंग के अंदर क्या होता है भाई, इस मेथड के अंदर कट किया जाता है प्लांट को एक स्पेसिफिक स्पॉट से, और उसको दोबारा क्या कर दिया जाता है, प्लांट कर दिया जाता है। रोजेज इसके एक एग्जाम्पल, आपको पता होगा रोज के हम स्टेम काटते हैं फिर उसको मिट्टी में क्या कर देते हैं, प्लांट कर देते हैं, वहां से नया रोज प्लांट ग्रो करने लग जाता है। दिस कटिंग इज अ पार्ट ऑफ स्टेम और ब्रांच और द ब्रांच ऑफ द प्लांट। कटिंग के अंदर हम क्या काटते हैं, स्टेम या ब्रांच को काट लेते हैं फिर उसको उगा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्लांट को यहां से काटा गया, यहां से इसको मिट्टी में डाला गया, नई रूट इसके अंदर आने लग गई है और ऊपर जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है। इसी प्रकार से रूट कटिंग के थ्रू भी किया जाता है, रूट को यहां से काट दीजिए, उस रूट को कहीं और दबा दीजिए, वहां पे नया प्लांट ग्रो करने लग जाएगा, उस पे नई शूट आपको देखने को मिलेगी। अगला क्या है जी, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, यहाँ पे आप पहले देख लीजिए फिर हम उसको रीड कर लेते हैं। प्लांट है, प्लांट को एक जगह से यू डायगनली काटा जाता है, दो प्लांट्स को काटा गया है, ये प्लांट जो है जी इसको क्या करेंगे, हम किसी दूसरे प्लांट के ऊपर लगा सकते हैं, दूसरे प्लांट से सेम कटिंग करके हम यहाँ पे लाएंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, रैप कर देंगे और वैक्स कर देंगे ताकि एयर उसके अंदर एंटर ना करे, और फिर ये प्लांट इस प्लांट के ऊपर ग्रो करने लग जाएगा। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के प्लांट पे दूसरे टाइप का प्लांट उगाना ग्राफ्टिंग के थ्रू पॉसिबल हो पाता है।
ग्राफ्टिंग, समटाइम टू प्लांट्स आर ज्वाइंट टुगेदर, कई बार दो प्लांट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देता है सो दैट बोथ ऑफ देम कैन प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक टू द न्यू प्लांट, ताकि नए प्लांट के अंदर दोनों की डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, खासियत जो उनकी है, वो आपको देखने को मिले. वन प्लांट रिमेन्स रूटेड इन द ग्राउंड, एक प्लांट जमीन में ही रहता है, विच इज कॉल्ड द स्टॉक, जिसको स्टॉक कहा जाता है, एंड प्रोवाइड द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, और यही जमीन से लेके इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्लांट को सप्लाई करता है. व्हाइल द अदर स्टेम इज अटैच टू इट, जबकि जो दूसरी स्टेम है वो उसके ऊपर अटैच की जाती है, इस तरीके से नया प्लांट डेवलप करता है. फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल को ऐसे ही ग्रो किया जाता है. एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो लेयरिंग है, लेयरिंग को आप रनर के थ्रू भी समझ सकते हैं, लेयरिंग के अंदर रनर को भी समझ सकते हैं, उसमें जहां पे भी वो स्टेम टच करेगी वहीं पे रूट डेवलप हो जाएगी और ऊपर स्टेम निकलने लग जाएगी. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, वो एडवांटेजेस क्या हैं एक बार वो देख लेते हैं. पहला एडवांटेज है जी, द प्लांट दैट आर प्रोड्यूस्ड विद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ग्रो फास्टर देन दोज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं वो आमतौर पर जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं एज कंपेयर्ड टू द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट की ग्रोथ तेजी से होती है, जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, स्लो होती है. ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ये प्लांट पार्ट से ही क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और प्लांट पार्ट पहले ही मैच्योर हो चुका है तो उसके अंदर सारी चीजें पहले से प्रेजेंट हैं, तो उसके अंदर ग्रोथ ज्यादा जल्दी देखने को मिलेगी. दूसरा एडवांटेज क्या है, द प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस विद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हैव फ्रूट्स एंड फ्लावर्स अहेड ऑफ टाइम. भाई सारी चीजें पहले से प्रिपेयर हैं, अच्छी खासी स्टेम है, जाइलम फ्लोएम अच्छे से डेवलप हो रखे हैं, जैसे उसके ऊपर लीव्स आएंगी, लीव्स आने के जस्ट बाद ही वो फ्रूट और फ्लावर उसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में फ्रूट और फ्लावर जल्दी अपीयर हो जाते हैं प्लांट के ऊपर एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. थर्ड जो एडवांटेज है, जो प्लांट आपका प्रोड्यूस हुआ है वो एग्जैक्टली क्या होता है, सेम होता है करेक्टरिस्टिक्स में अपने पेरेंट के, क्योंकि ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो उसके अंदर क्या होगा जी, आपको सिंगल पेरेंट की वजह से आपको जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉमन देखने को मिलेंगी पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के अंदर. नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है जी, एक तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया एसेक्सुअल मोड, दूसरा है बडिंग. यीस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म, यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म है जिसका आपने सुना होगा वाइन और एल्कोहल मेकिंग में यूज किया जाता है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, याद कीजिए. That contains a single cell. Yeast क्या है, एक single cellular है. It is a fungus, not a plant. ये क्या है, एक fungus है, ये plant की category में नहीं आता, ये fungus की category में आता है, जो anaerobically respire करता है और fermentation करके alcohol की production करता है. It can propagate every few hours if the proper amount of nutrients are available to it. तो ये बहुत जल्दी जल्दी reproduce करता है अगर उसको proper amount में nutrients मिल जाएं तो, कुछ ही घंटों में ये अपनी संख्या को दुगुना चार गुना कर लेता है. As the yeast finds favorable condition, जैसे ही yeast को क्या मिल जाएंगी, favorable conditions मिल जाएंगी, a small bulb-like projection produces from the yeast called bud. तो उसके अंदर से क्या निकलेगी भाई, एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन निकलेगी. ये यीस्ट है, यीस्ट के ऊपर एक छोटा सा बल्ब जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. इस छोटे से स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम बड कहते हैं, और बड के थ्रू रिप्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, बडिंग कहलाता है. जो बड है धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या करेगी, ग्रो करेगी एंड देन गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट यीस्ट, और वो पेरेंट यीस्ट से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी. दिस न्यू सेल देन ग्रोज measures and produces more cell. जैसे ये mature हो जाएगी, ये parent से अलग हो जाएगी और नई yeast की form में grow करने लगेगी, और फिर इसके ऊपर भी budding आपको देखने को मिलेगी. कई बार एक ही bud के ऊपर और छोटी छोटी buds निकल आती हैं. This is known as chain of bud. क्या कहलाती है, chain of bud भी कहलाती है. तो bud के through reproduce करना क्या कहलाता है, budding कहलाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं बडिंग, ये पेरेंट यीस्ट है, इसके ऊपर एक छोटी सी बड आई, जो न्यू यीस्ट सेल है वो कम्प्लीटली डेवलप होने लग गया है और ये पेरेंट से डिटैच हो जाएगा और नए इंडिविजुअल की फॉर्म में ग्रो करने लगेगा. ये पेरेंट है, ये देखो सेपरेट हो चुका है यीस्ट सेल. कई बार बड के ऊपर बड आ जाते हैं, जिसको चेन ऑफ यीस्ट सेल भी कहा जाता है. समटाइम अ चेन ऑफ बर्ड्स इज फॉर्म्ड विच लेड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट ऑल टुगेदर. कई बार आपको बड के ऊपर बड देखने को मिलेगी, जिसको हम चेन ऑफ बड कहते हैं.
जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है फ्रेगमेंटेशन। हमने देख लिया वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फिर हमने देख लिया बडिंग, नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। इसके अंदर हमने किसका एग्जांपल लिया, स्पायरोगायरा का। दिस इज स्पायरोगायरा, आपको दिख रहा होगा। इस स्पायरोगायरा के अंदर क्या होता है, जब ये स्पायरोगायरा मैच्योर होता है, क्या होता है, मैच्योर होता है, तो ये एक स्पेसिफिक पोजीशन से क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है टू डॉटर सेल्स के अंदर, और फिर ये जो डॉटर सेल्स हैं ये नए इंडिविजुअल की फॉर्म में ग्रो करने लग जाती हैं। तो एल्गी आप लोगों ने देखी होगी, एल्गी जो ग्रीन कलर के पैचेस आपको दिखाई देते हैं, लाइक स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा इज एन एग्जांपल ऑफ एल्गी, जो जनरली रिप्रोड्यूस करता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े। अब क्या हो गए भाई, मैच्योर होने पे इसके एक स्पेसिफिक साइट से क्या हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब वो टुकड़े नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएंगे, तो टुकड़ों से जो रिप्रोडक्शन हुई है उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इन विच दे डिवाइड देमसेल्फ इनटू मल्टीपल पार्ट्स, कई पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एज सून एज द एल्गी फाइंड इनफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, इट फ्रेगमेंट्स ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल। क्या है जी, जैसे ही उसको पर्याप्त मात्रा में वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जो एल्गी के फ्रेगमेंट्स हुए, टुकड़े हुए हैं, वो नए इंडिविजुअल में ग्रो करने लग जाएंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड द एल्गी मल्टीप्लाई क्विकली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है और जो एल्गी है वो क्विकली मल्टीप्लाई होता है और पूरे पॉन्ड के ऊपर आपको ग्रीन कलर के पैचेस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज योर स्पोर फॉर्मेशन। तो हमने क्या क्या देख लिया भाई, वेजिटेटिव प्रोपगेशन देख लिया, ठीक है जी, उसके बाद हमने बडिंग देखा, फिर हमने फ्रेगमेंटेशन देखा, अब स्पोर फॉर्मेशन है। जो फंगस होता है, फंगस देखिए उसके अंदर ऐसे आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दिस इज नॉन एज हाइफे। ऊपर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको स्पोरेंजियम कहा जाता है। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोर्स उड़ते रहते हैं हवा में क्योंकि बहुत लाइट वेट होते हैं और जहां पे भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये नए फंगस की फॉर्म में ग्रो करने लग जाएंगे। सम प्लांट्स कंटेन स्पोर्स, कुछ प्लांट्स स्पोर्स के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है। स्पोर्स दैट फ्लोट इन एयर, स्पोर्स हल्के होते हैं इसलिए एयर के अंदर फ्लोट करते रहते हैं एंड कॉज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज करते हैं। A spore has a hard protective covering. Spore के चारों तरफ एक hard protective covering आपको देखने को मिलेगी, वरना वो बाहर environment में आके destroy हो जाएगा। Covering किस लिए है, तब तक जब तक कि उसको favorable condition नहीं मिलती तब तक उसको prevent करने के लिए उसके चारों तरफ एक protective covering होती है, which protected from unfavorable environmental conditions such as temperature and humidity. अनफेवरेबल environmental condition से prevent करने के लिए spore के चारों तरफ एक protective covering आपको देखने को मिलेगी। एज अ रिजल्ट द स्पोर्स कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ऐसा करके क्या होगा जी, जो आपके स्पोर हैं वो लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएंगे क्योंकि प्रोटेक्टिव कोट है और लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। एज सून एज दे फाइंड फेवरेबल कंडीशंस सच एज मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स दे जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी जहां पे वो ग्रो कर सकें, जैसे कि मॉइस्चर है, न्यूट्रिएंट्स है, वो वहां पे जर्मिनेट होने लग जाएंगे और न्यू प्लांट्स बना लेंगे। मॉस और फर्न्स इसी प्रोसेस के थ्रू, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू क्या करते हैं जी, आपको रिप्रोड्यूस करते हैं। That was all for this class. Next topic in next video. Till then, take care. God bless you. Bye.